राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद रामनगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। इसकी वजह से प्रशासन ने श्रद्धालुओं को राम मंदिर प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। गर्भगृह के भीतर भक्तों की भारी भीड़ के चलते लोगों को रोकने का फैसला किया गया है। अयोध्या में राम दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ के चलते राम पथ पर वाहनों का आगमन बंद कर दिया गया है। लोगों को सिर्फ पैदल चलने की इजाजत है। शहादतगंज से नया घाट को जोड़ने वाली सड़क को राम पथ के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति जलाकर राम नगरी समेत देश भर में दीपावली मनाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वडाला मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है, इसलिए देश रामने में हो गया है और पूरे देश में जोश है। करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हुआ है, इसलिए मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और बिहार को आने वाले कुछ दिनों तक भीषण सर्दी और घने कोहरे से राहत मिलने का आसार नहीं है। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन तक पूरे उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में लगातार 2 दिन से शीतलहर और परेशानी बढ़ा सकती है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिल्ली और एनसीआर में कुछ हिस्सों में शीतलहर चल रही है। जैसे ही दिल्ली में तापमान गिरा, लोग खुद को गर्म रखने के लिए अलाव के पास बैठे दिखे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनका यह संकल्प प्रस्त हुआ कि देशवासियों के घरों की छत पर उनका सोलर सिस्टम हो। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक 1 करोड़ घरों में एक योजना के तहत रूफ टॉप सोलर लगेगा। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक सेंटर से बताया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प प्रस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कहा कि राहुल गांधी का नाम अब तक किसी भ्रष्टाचार मामले में शामिल नहीं हुआ है। राहुल का नाम कभी किसी मर्डर में नहीं आया, किसी प्रतिबंधित संगठन का नाम नहीं रहा। रावण कौन है जिसने मासीता का अपहरण किया? आज पूरे देश में असम की महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जहां रावण होता है वहां महिलाएं सुरक्षित होती हैं। वहीं गुवाहाटी की जाने में परमिशन न मिलने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा वहां जाएगी, परमिशन मिले या ना मिले, जो होगा वो देखा जाएगा। राहुल गांधी का नाम अभी तक कोई करप्शन का साथ शामिल नहीं हुआ। और बीजेपी ने बोला था जो लुईस बार्जर और शारदा का घोटाला में असम का सीएम इन्वॉल्व है। राहुल जी का नाम अभी तक कोई मर्डर केस में नहीं है। राहुल जी कभी भी कोई संतासवादी संगठन का मेंबर नहीं था। राहुल जी का नाम कोई करप्शन चार्ज में नहीं है। तो रावण कौन उठा है? रावण कौन है जिसने सीता को अपहरण किया? असम में आपको मालूम है तीनसुकिया में एक साई बागान का लड़की जामिनी प्रजा, इसको रेप किया बीजेपी का कर्मी ने। इसके बाद जब पुलिस थाना में केस हुआ, उसका माँ को बीजेपी और पुलिस जाकर धमकी दिया, जब केस को विड्रॉ करो नहीं तो तुम्हारा खतरा होगा, और जामिनी प्रजा का माँ ने सुइसाइड किया। तो आज पूरा देश भर में असम में सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है। तो रावण जहाँ पे होता है वहाँ पे महिला असुरक्षित होता है। आज क्या होगा गुवाहाटी में परमिशन तो आपको जो होगा सो होगा देखा जाएगा। आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 100% कॉन्फिडेंट, जो होगा सो होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच नॉर्थ ईस्ट के असम स्थित गुवाहाटी में फिर विवाद हुआ है। वहां शहर में यात्रा की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई है। आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया है, जिसके बाद सुबह के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस महानिदेशक को राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रशासन का और कहना है कि शहर में यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। यही वजह थी कि बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और इसी को लेकर राहुल गांधी की बस के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भीड़ ने उकसाया है, इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में लिंगपोई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। राजधानी आइजोल के पास स्थित लिंगपोई एयरपोर्ट पर म्यांमार सेना का विमान क्रैश हो गया। लिंगपोई एयरपोर्ट आइजोल के पास स्थित एक घरेलू एयरपोर्ट है। सूत्रों ने बताया कि सैन्य विमान उन सैनिक को एयरलिफ्ट करने के लिए म्यांमार से आया था जो पिछले हफ्ते भारत म्यांमार सीमा पार कर मिजोरम में दाखिल हुए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम डीजीपी ने कहा कि म्यांमार सेना के विमान क्रैश होने की वजह से 6 लोग घायल हुए हैं। विमान में पायलट समेत 14 लोग सवार थे। घायलों को लिंगपोई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि म्यांमार में सेना और विद्रोही के बीच लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से सैनिक भागकर मिजोरम के लंगतलाई जिले में दाखिल हो गए हैं। इन सैनिकों को लेने के लिए विमान भारत आया था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की भारत की दावेदारी को अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का साथ मिल गया है। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं दिया जाना बेतुका है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि एक समय पर संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य नहीं मिलना बेतुका है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कई विपक्षी दलों ने यूं कहकर दूरी बनाए रखी कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस समारोह में न तो शामिल हुई न तो कोई प्रतिक्रिया दी। राम मंदिर को लेकर बसपा सुप्रीमो की खामोशी के बीच अब उनके भतीजे आकाश आनंद ने राम मंदिर को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। आकाश आनंद ने कहा कि सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। आकाश आनंद ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाने पर बीजेपी की कड़ी आलोचना की है और बताया कि बीजेपी राष्ट्रपति को इस समारोह में न बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रहे हैं। असम की हेमंत शर्मा सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को गुवाहाटी के मुख्य सड़कों से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोकने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। दरअसल ये यात्रा मेघालय का चरण पूरा करने के बाद आज असम में फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। यात्रा को अनुमति नहीं देने का कदम असम के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बीच उठाया गया है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि असम के सीएम भारत जोड़ो यात्रा के बीच में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।